वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज FM टाटा पावर कंपनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो टाटा पावर स्टॉक की बात की जाए तो आज एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले टाटा पावर स्टॉक के अंदर। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 244.85 पे ट्रेडिंग कर रहा है टाटा पावर स्टॉक आज के दिन में। मीन 6.20 से अप है, यानी कि 2.60% का रैली कर चुका है आज के दिन में टाटा पावर स्टॉक। जैसे सुबह में ओपन हुआ तो ओपन हुआ था गैप डाउन से ओपन होकर 240 लेवल को सुबह सुबह ही ब्रेकआउट दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है पूरे दिन भर। और जैसे 246 का हाई बनाया था, जैसे हाई बनाया तो थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और रिसेंटली 244.95 पे ट्रेडिंग करा है, तकरीबन 2.64% अप है। तो आज का जो लो देखा जाए तो 237.10 का लो बना चुका है टाटा पावर स्टॉक। मार्केट कैप भी देख सकते हो 78.27,000 करोड़ के मार्केट कैप है और पी रेशियो है 44.89 का और डिविडेंड यील्ड है 0.63% का। तो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में 1.32% की रैली कर चुका है टाटा पावर स्टॉक और लास्ट 1 मंथ में एफ ब्रेक से देख करीब 8.65% की रैली कर चुका है टाटा पावर स्टॉक। तकरीबन 19.50 पैसे की रैली कर चुका है। तो रिसेंटली टाटा पावर स्टॉक के चार्ट एनालिसिस भी देखे जाए तो करंटली टाटा पावर में आज की कैंडल देखी जाए तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। तकरीबन मंथली पीवट के ऊपर ही आज ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे रजिस्टर वन जो है वो 251 के पास तो यहाँ पे अपडेट से थे, तो वहाँ तक इजीली जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं टाटा पावर स्टॉक में। जैसे मंथली रजिस्टेंस वन ब्रेक होता है जो 265 जहाँ पे अपडेट से थे, नया 52 भी खाई भी बना सकता है टाटा पावर स्टॉक। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे भी आता है तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली जो सपोर्ट वन है वो मंथली पीवट लेवल जो है 232 के है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा टाटा पावर स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टाटा पावर स्टॉक के लिए।